सवाल में आपका स्वागत है। इस साल में राज परिवार ने बनाया कल गया था एलिफेंट सफारी और आज जा रहा हूँ मैं कैनोइंग के लिए। अभी टाइम कुछ हो रखा है 11:30। तो भाई साहब से बुक करवाए थे, यह है इनका ऑफिस, मैं एक बार मिलवाता हूँ इनसे। कैनोइंग मींस नाउ सफारी। यस। और नाउ सफारी क्या होगा, वो दो घने जंगल से बीच से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर दो स्पीसीज का मगरमच्छ होता है, एक घड़ियाल एक मार्स मगरमच्छ, जहाँ कैनोइंग 45 मिनट का हो जाएगा। उसके बाद जहाँ एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर किंगडम का, यहाँ कल राजा था ना वो राजा का हॉन्टिंग रिसोर्ट है, वहाँ से पैदल वॉक करके लाफ एंड स्टे म्यूजियम देखेंगे और हॉर्स राइडिंग करेंगे वो कैनोइंग का ट्रैक। तो गाइस मैं वेट कर रहा हूँ, आधे घंटे के बाद मुझे पिकअप करने के लिए गाड़ी आएगी। तो आ गई, भागो 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 यहाँ पे। तो इस गाड़ी से लटक के आया था 1-2 किलोमीटर। बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग इधर है, दो वो एक जीप जा रहा है ना उधर से उतर लिया इधर। यहीं से स्टार्ट होगा? हाँ यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ से जाएंगे ये 40 मिनट के बाद में एक होटल है। 32 साल में ये राज परिवार ने बनाया होटल है, वो होटल का नाम है गैंडा वाइल्ड लाइफ। अभी 47 साल हुआ वो बंद हुआ, सब बिगड़ के गया है। उसी में उतारेंगे, वहाँ से पैदल जाएंगे। पैदल ऐसे 10-15 मिनट लगेगा, उस 10-15 के बाद आप उसमें पहुँचेंगे। पानी पानी जम्स ये फम्ली चोप्द तो पानी सोर्स निचार निकाल जुत्ता डुब्ने कर आँदेन ये बना जमे रिपेयर करते। अच्छा ये बोट रिपेयर होगा? ये बूढ़ा हो गया अभी रिपेयर। एक ही पेड़ का बनाया है, एक पेड़ एक चितौन में नहीं मिलेगा, पहाड़ी इलाके में मिलता है। देखिए उधर एक बड़ा चीज़ सांप जी, बड़ा चिड़िया वो पेड़ के ऊपर में पेड़ में है। कितना आदमी आ जाता होगा एक बोट पे? ऐसे बड़ा है, अब बड़ा में तो जाएगा 12-15, कोई और बड़ा है तो 25-26 भी जाएगा, कोई छोटा है डिफरेंट डिफरेंट साइज का है। आइए जाता है सबसे बड़ा, 4 से ज्यादा नहीं, वो सबसे छोटा। नदी का नाम है धुमरेखोला। धुमरेखोला? हां धुमरेखोला। अच्छा आगे काठमांडू जाने का यहां पे जो मिलता है ये राफ्टी रिवर में मिलता है? वो राफ्टी रिवर में मिलता था। इसी में जा? हां इसी में। तो भाई इस बोट की खासियत ये है कि ये एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बना हुआ है। उसमें बैठ जाइए उसमें। वाह पेड़ तो पीड़ा तो मेरा पड़ेगा है ना। पानी माथि चीज अलिअलि हालिन्छ, आउनुस जिउ नचलाउनुस, पानी में हाथ नहाल्नु, जो पानी तपाईहरुलाई चिलाउन सक्छ। क्या भैया क्या बोले? पानी में हाथ मत डालना, खुजली आता है ये पानी से। देखने में तो सफा है लेकिन खुजली हो सकता है ये पानी से। सर अभी ठीक है नहीं डालना? हां थोड़ा नदी का नाम है धुमरेखोला। ये काठमांडू जाने का दायां साइड का पहाड़ से आया है। इस नदी में दो प्रकार का गोही भी है, मगरमच्छ भी है, घड़ियाल भी है, टोटराइज भी है जो कछुआ बोलेगा ना कछुआ है, 120 प्रकार का मछली भी है, पानी साफ भी रहेगा। अच्छा इसमें फिश भी दिख जाएगा? है फिश भी दिख सकता है कभी कभी। जाएंगे हम 40 मिनट के बाद में, एक गैंडा वाइल्ड लाइफ होटल है, ये 32 साल में राज परिवार ने बनाया, अभी तो उसको छाड़ दिया, 17 साल हो गया, अभी सब पुराना हो गया। उधर ही उतारेंगे वहीं से एंड धीरे धीरे 15 मिनट के बाद में वो ऑफिस टाइगर कैंप का ऑफिस में पहुंच जाएंगे। पानी सही में बहुत क्लीन है, पानी बहुत ये वहाँ सब दिख रहा नीचे।
ओखला कभी आ जाए थे? दो तीन दिन हो गया, कल भी आया था। कितना दिन बैठेगा? आज चला जाएगा घर। ये कितने लोग हैं टोटल? 9 लोग हैं। देखिए कितना बड़ा फिश उधर गया, मछली फिश काफ़ी है इस रिवर में, क्योंकि इधर मालने नहीं मिलेगा ना, मालने नहीं देता है, इसीलिए बहुत फिश है। वो बोट अप एंड डाउन भी हो रहा है, थोड़ा तो हिल ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हो रहा है पानी, वो एक बोट ड्राइवर है, वो चलाने में तो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। देखिए मछली उधर देखिए। हाँ वो यस, वो मछली देखिए, किंग फिशर चिड़िया देखिए, किंग फिशर है। हाँ किंग फिशर, इसका नाम है व्हाइट थ्रोटेड किंग फिशर। ये 28 सेंटीमीटर का बड़ा होता है। नेपाल में 9 प्रकार का किंग फिशर है, चितौन में 4 प्रकार का। वाह वो बड़ा है, सबसे बड़ा। वाह कितना बड़ा है मगरमच्छ। मगरमच्छ बड़ा में 4 मीटर तक लंबा होता है। ये बड़ा नदी छोटा नदी भी खाएगा, आदमी को भी खाएगा, जानवर को भी खाएगा। पूरा मोंटाना नील जा रहा है, कितना शांत बैठा हुआ है। धान खेती के व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर नेपाली में सबसे बड़ा बगुला। तो इसको चाड़ा में एउटा नेपाली कौवा, नेपाली ये जल पत्थर सब सट गया, इसमें वो टच कर गया ना, इसमें 100% रिकमेंड करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जंगली हाथी ने किया है ये जो जंगली। अच्छा ये जमीन उसको, ये मिट्टी को जो ये जंगली हाथी ने किया। नहीं मिलेगा तो पूरे गिर जाए, उल्टा हो जाएगा। नहीं गिरेगा, मैं बैलेंस बना, ब्याज निकल देगा। काठमांडू, काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप सोलो उधर जाएगा, घूम ही जाएगा। हाँ पूरा एवरेस्ट बेस कैंप तक जाएगा, उसके बाद बैक टू इंडिया। वहाँ पे एक मगरमच्छ भी है, उधर मगरमच्छ था पानी का अंदर बढ़ गया। पूरे हाथ धकल करने अब बोट का सफारी खत्म होने लगा है। थोड़ा आगे में एक 32 साल में बनाया एक होटल है, वो राज परिवार ने बनाया वो होटल। अभी उधर ही हम पहुँचेंगे, उतारेंगे वहाँ से एंड पैदल जाने पड़ेगा। देखिए थोड़ा आगे में एक लेफ्ट साइड में एक बड़ा मगरमच्छ भी है। तो कोई लिखो मऊ मगरमच्छ, ओ बड़ा सा मगरमच्छ। क्यों नहीं आई में, ये मगरमच्छ है। ऐसे करके आइए, कीड़ा को ऐसा कर दीजिए। ओहो तो गाइस खत्म हुआ बोट राइडिंग, बोट सफारी खत्म हुआ। ये कुछ ऐसा बोट था अपना, पर अब वो सामने मगरमच्छ। तो उधर रही अपना बोट, तो अब जा रहे हैं पैदल ट्रैक करके गेंडा वाइल्ड लाइफ कैंप। ये कुछ यहाँ पे कैंप बना हुआ, ये तो सब खत्म हो जा रहा है। बहुत पुराना है लेकिन ये गेंडा वाइल्ड लाइफ कैंप, गेंडा वाइल्ड लाइफ कैंप 32 साल में बनाया।
एकदम डर हुन्छ नि, भालुहरू बाट बाटै गैँडाइते बस्थ्यो। हो गया, जंगल काफी घना हो चुका है यहाँ पे। ये पूरा अच्छा, ये पूरा हाथी अच्छा, ये जो बना हुआ है ये अभी हाथी नहीं है, पहले हाथी इसमें रहता है। ये देखो कितना मोटा मोटा खूंटा है। एक्चुअली अभी हाथी यहाँ पे नहीं रहता, पहले हुआ करता था हाथी बांधने के लिए यहीं पे। हाँ भारी आ रहा मान, अभी दौरा ले जाते हैं। ये गांव का बस्ती वालों ने आता है जंगल में गाय भैंस के लिए, ऐसे भूसी काटने के लिए। ये गेंडा का माल है, एक गेंडा पहने आकर दिशा टट्टी करके वो जाएगा तो दूसरा आएगा तो फिर उसी में फिर टट्टी करेगा। अच्छा, वहाँ पे जो भी दिखाए ज्यादा हुआ और दूसरा दिन फिर वापस आए तो वो टट्टी देखे तो फिर भी उसी में टट्टी करेगा उसके ऊपर में। इधर आता है गेंडा, आता है रात को शाम को, रात बहुत देखता है। देखिए ये जंगली सुअर ने किया है, कीड़ा उड़ा ढूंढ लिया खाने के लिए। फूल का खतरा है, फूल था। अच्छा, जंगल वॉक जो किया था तो इधर ही आया था कल। यो म्यूजियम पुराना चीज को है ना सर, है ना? यो नेपालमा कति किसिमको किरा फटेङ्ग्रा माछा भ्याकुता सर्प चरा जनावर छ भन्ने कुरो, त्यो मरेकालाई आया थे हम लोग और जो कल वॉक करके आए थे इसी एरिया में, यहाँ पर फोटो खिंचवाए थे याद है। तो बस गाइस, ख़त्म होता है हमारा सफ़र, मिलते हैं अगली वीडियो में।